Hello everyone, welcome back to the session. So in today's session, I'm going to help you actually to answer this question, how to speak fluent. Let's get started with the session. I'm definitely going to share some of the tips with you all today, some of my secrets with you all today, how you can be a fluent speaker. Okay, let's get started. So do you want to be a fluent speaker first of all? Let me know. Yes, all right. So if you want to, then only watch the video, otherwise you can leave the video simply. ठीक है, अगर आपको फ्लुएंट स्पीकर बनना है उसके लिए आपको कुछ करेक्ट स्टेप्स लेने होंगे अपनी लाइफ में. ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेइंग इट कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है या हाँ आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर. यू हैव टू प्रैक्टिस सम ऑफ द थिंग्स, कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ मैं आइडियाज दूंगी, उन्हें फॉलो करो. लेट्स सी. ठीक है, सो before we get started, don't forget to subscribe the channel if you are new to my channel. If you are already a subscriber, then in that case you need to share the link with your friends. ठीक है, ताकि उन्हें भी help मिले, वो भी fluent speaker बने ना, वो आपको help करेंगे साथ में. Let's get started. But the question is what to do? क्या करें fluent speaker बनने के लिए? Many people face this problem कि उनका face red हो जाता है जब वो English में बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे ऐसे देखते हैं कि हाँ क्या somebody spoke in English. Even जब आप crowd में excuse me बोल दो, people will stare you. This is the situation, है ना? So many of us have no clear idea about it that हम fluently कैसे बोल सकते हैं. कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके हाथ और पैर कांपने लग जाते हैं, their hands shake. So that is also a situation. Or what about your hesitation? वो जो hesitation है, जो इतने time से संभाल के रखी है, जब भी कुछ बोलना है English में या crowd के आगे, तो वो आगे आती आती है, उसका क्या करेंगे? उसको कैसे समझाएंगे कि नहीं डरना? तो उस सब के solution मैं दूंगी आपको. ठीक है, let's learn with my this session today. मैं आपको कुछ ideas, कुछ tips, कुछ special चीज़ें बताऊंगी जो आप फॉलो करो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर. चलिए, सो सबसे पहला आइडिया, सबसे पहला सजेशन मेरी साइड से आपको ये आता है, अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो मैजिक बुलेट. कोई मैजिक बुलेट नहीं है आपके पास कि आज स्टार्ट किया और कल हो गया. ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है कि आप मतलब सब कुछ सीख जाओगे एक ही बारे में. दैट मीन्स देयर इज नो सीक्रेट सुपर इफेक्टिव वे टू गारंटी फ्लुएंसी वेरी फास्ट. सो ऐसा कोई वो यू नो मैजिकल मेथड नहीं है किसी के भी पास कि हाँ भाई मैंने वो पाउडर छिड़का और हाँ हो गया, मुझे फ्लुएंट इंग्लिश आ गई. ठीक है, तो वो सब नहीं होगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट प्रैक्टिस. धीरे धीरे होगा, होगा सब होगा, पॉसिबल सब कुछ है, बट हमें पेशेंस रखने होंगे. ठीक है, सो यूज़ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ एज मच एज पॉसिबल. कई बच्चे बोलते हैं मैम मैंने इंग्लिश क्लासेस तो स्टार्ट कर दी बट मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही नहीं रही. बच्चों, इंग्लिश तो आप क्लास तक ही रखते हो, मतलब क्लास में एंटर जैसे ही किया इंग्लिश में बात हुई, जैसे ही क्लास से बाहर निकले वापस हिंदी टोन में, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी? वो तो इंग्लिश तो आपकी क्लासरूम में ही चल रही है, वो तो आपने सिर्फ क्लासरूम के लिए सीख ली, बाहर के लिए भी तो सीखनी थी. तो बाहर के लिए सीखने के लिए आपको डेली बोलना होगा कुछ इंग्लिश में. ठीक है, आइडियाज कैन बी कि अपने फ्रेंड से बात करो, अब उन लोगों से बात करो जिन्हें इंग्लिश आती है, या आप उन लोगों से भी बात कर सकते हो जिन्हें इंग्लिश सीखने का शौक है. क्योंकि आप उनके सामने बोलोगे, उन्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको कोई मिल जाएगा सुनने के लिए. आप ऑडियो अपने रिकॉर्ड करके अपने टीचर्स को भेज सकते हो. आप कभी कभार कोई रैंडम टॉपिक पर छोटी सी अपनी वीडियो क्लिप बनाकर अपने सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन किसी भी टॉपिक पर शेयर कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस. सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद इंग्लिश. तो अगर मैं 10 डे का सुपर फास्ट कोर्स मीनाक्षी मैम से कर लूँ और फिर मैं किसी से बात ही ना करूँ इंग्लिश में, बात ही ना करूँ, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? तो सीखनी तो है, साथ साथ उसे कॉन्टैक्ट में भी लाना है, उसको अपने डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करना है. जैसे आपको हिंदी में कई वाक्य आते हैं ना, और आप आपको पता है किस चीज़ को कुर्सी बोलते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी जानने के लिए आपको उन्हें प्रैक्टिस करना होगा. देन हैव आवर्स एंड आवर्स ऑफ स्टडी.
इंग्लिश पूरा पूरा दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रटाफिकेशन काम नहीं करेगी फ्लुएंसी में या इंग्लिश स्पोकन में, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यूजिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स अ डे एवरी डे इज बेटर देन स्टार्टिंग फॉर 1 आवर ओनली वंस इन अ वीक। सो डेफिनेटली जो स्ट्रैटेजी कई सारे स्टूडेंट स्कूल एग्जाम्स में लगा रहे होते हैं, मतलब जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ाई करी और हो गया जो होना था, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आप सोचो कि मैं हफ्ते में एक दिन पढ़ूं और मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। आपको डेली 10 मिनट्स या हर वीक, मतलब वीकली की जगह एवरी डे फोकस करोगे तब कुछ इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट और उसको सीरियसली लो। अच्छा, एक और बात बहुत ज़्यादा होती है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में, दे डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, दे वॉट दे सिंपली लाइक टू रीड अ बुक इन साइलेंस। बहुत अच्छी बात है अगर आप रीडिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप इंटरैक्टिव हो अपनी नोटबुक के साथ, अपनी डायरी के साथ, मतलब आपको बोलने से ज़्यादा लिखना पसंद है, या शायद से यू आर समबडी हु इज़ एन एक्सट्रोवर्ट जिसको साइलेंस में रीडिंग नहीं पसंद या साइलेंस में राइटिंग नहीं पसंद, बोलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, और यू आर समबडी हु इज़ इन टू लिसनिंग अलॉट। बट आपको ये समझना होगा कि आपको इन सब एरियाज को बैलेंस करना लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू थिंक कि आपको सिर्फ वोकैबुलरी से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, सो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मतलब एक्सपीरियंस ऑन ऑन द बेसिस ऑफ माई 5 ईयर्स या यू कैन से इवन 7 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आप सोचो कि भाई क्लास में इंग्लिश स्पोकन हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है और इंग्लिश इंप्रूव होगी, नहीं होगी। आपको ग्रामर को भी उतनी वैल्यू देनी है जितनी आप स्पोकन को देते हो, जितनी आप लिसनिंग को दोगे, रीडिंग को दोगे, राइटिंग को दोगे और वोकैबलरी को दोगे। मतलब आपको सब चीज़ को एक बैलेंस वे में लेके चलना है। बेटर इफ़ यू प्लान सम एक्टिविटीज वीक वाइज, ठीक है, या आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म, आई कैन शेयर सम अदर आइडियाज़ विद यू कि ये बैलेंसिंग पर्टिकुलरली आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। फॉर नाउ मैंने आपको बता दिया आपको सारे एरियाज़ को बैलेंस करना होगा अगर आपको लैंग्वेज को सीखना है। अगर आप सिर्फ एक उस पर चलो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्पोकन करनी है तो आप सिर्फ बोलते जाओ इंग्लिश में, नहीं इम्प्रूव होगी। रूल्स कैसे करेक्ट करोगे, ग्रामर टेंस वगैरह ये सब कैसे करेक्शन लाओगे, ठीक है, और रीडिंग नहीं करोगे तो वोकैबलरी कैसे इंप्रूव होगी। सो ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, गेट अ रेगुलर स्पीकिंग पार्टनर। एज आई वॉज ऑलरेडी सेइंग इन द बिगिनिंग, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी हो, या जिसके पास इतना टाइम हो कि अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो वो सुन ले, ठीक है। गेट अ रेगुलर स्पीकिंग पार्टनर। बेटर अगर कोई ऐसा हो जो आप ही की फील्ड से कनेक्टेड है, लेट्स से कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपके ही जैसे नेचर का है, और लेट्स से ऐसा कोई जो इंग्लिश सीख रहा है, तो वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हो, यू कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड गेट बेटर एट द लैंग्वेज, ठीक है। सो यू कॉन्ट जस्ट स्टडी इंग्लिश, आप सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, वो आपने अपनी स्कूल में जब से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हुई है, या मैं अगर बोलूँ स्पेसिफिकली, लेट्स से मैं बोलूँ 6 to 10th में भी, तो 4 साल में भी, या अगर मैं बोलूँ 6 to 12th में भी, जो भी आपने ग्रामर पढ़ी है वो सिर्फ पढ़ी है, उसको यूज़ नहीं किया, और जब तक आप यूज़ नहीं करोगे वो कभी आगे जाएगी भी नहीं आपके साथ, राइट। सो यू नीड टू यूज़ योर इंग्लिश, आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ने से इंग्लिश को नहीं इम्प्रूवमेंट होगी। इफ़ यू हैव नोबडी टू स्पीक विद इन डेली लाइफ, सो कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, मैम नहीं है एनवायरमेंट, नहीं है कोई आसपास बोलने के लिए, तो क्या करें। यू कैन फाइंड अ स्पीकिंग पार्टनर ऑनलाइन थ्रू अ कॉन्वर्जेशन एक्सचेंज। सो बहुत सारी ऑनलाइन एक्सचेंज वेबसाइट्स हैं, कॉन्वर्जेशनल वेबसाइट्स हैं, जो आपको अलाउ करती है टू कनेक्ट विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड एंड कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप ये कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली टेक दिस एज अ हेल्प। ऑन दीज वेबसाइट्स यू कैन मीट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ये बेस्ट चीज़ रहती है, क्योंकि आप सिर्फ बोलोगे नहीं इंग्लिश में, आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर से या कोई भी लैंग्वेज के स्पीकर से इंटरेक्ट करोगे, और जब आप इंटरेक्ट करोगे यू विल बी लर्निंग थिंग्स अबाउट प्रोनाउंसिएशन, यू विल बी गेटिंग द एक्सेंट एग्जैक्टली, है ना। सो
अगर आपको ये सब समझना है तो उसके लिए आपको नेटिव्स इंग्लिश, नेटिव इंग्लिश स्पीकर से कम्युनिकेट करना होगा, या बेसिकली यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर जिसे आप बातचीत कर सको, हु वॉन्ट टू लर्न योर नेटिव लैंग्वेज. दिस वे यू कैन बोथ हेल्प ईच अदर टू लर्न एंड प्रैक्टिस, राइट? चलिए मूविंग ऑनवर्ड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑल राइट, सो अगला पॉइंट आता है लर्न टू थिंक इन इंग्लिश. बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इंग्लिश में भाई सोचना कैसे है, ठीक है? सो उन मेरे सारे प्यारे बच्चों के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. तो वो जो लिंक है वो मैं ऊपर कार्ड्स पर भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो उन्हें एक बार देख लेना, कृपया कृपया करके उन्हें देख लेना, आपकी कई सारी क्वेरीज उनसे भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कीज टू इंग्लिश फ्लुएंसी. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन जो आप ले सकते हो वो ये हो सकता है, क्योंकि कई सारे रीजन्स हो सकते हैं कि आप किसी से कम्युनिकेट ना कर पाओ, या आपको कोई आसपास इंसान ही नहीं मिलता जिससे आप बात कर पाओ, या कोई फ्री नहीं है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं. बट ये जो थिंकिंग वाली चीज़ है वो आपके ऊपर है. जैसे आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की, वैसे ही आप ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो इंग्लिश में उसको सोचने की कोशिश करो इंग्लिश में, दिमाग में. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई प्रेपोजिशन की क्लास अटेंड करी है, तो जैसे ही घर जाओ और अपने आसपास 10 जो भी आप सामान देखो, तो सोचो कि ये सामान कहाँ है और मैं इसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ कर सकता हूँ. अपने आसपास इन जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें देखो और उनके लिए सोचो कि आप इनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. डूइंग ऑल दिस कैन हेल्प यू अ लॉट. देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यू कैन फॉलो. फर्स्ट, बिगनिंग टू थिंक विद इंडिविजुअल इंग्लिश वर्ड्स. सो जी हाँ, डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत क्लूलेस होगा कि मैम कैसे सोचना स्टार्ट कर दें, इंग्लिश आनी तो चाहिए उसके लिए, राइट? सो ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद सम इंग्लिश वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सीखा मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, उन्हें पता चला फेमिलियर का मतलब क्या है, सिमिलर क्या होता है, उन्होंने ये सारे वर्ड समझ लिए. अब जब वो वर्ड सारे समझ लिए, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स वेन यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश. तो जैसे ही आप कुछ सोच रहे थे और आपने देखा भाई ये दोनों चीज़ें सेम दिखती हैं, आपके दिमाग में वो इंग्लिश वर्ड स्ट्राइक करना चाहिए, सिमिलर, ठीक है? ऐसे ही आप अपनी वोकैबलरी को पहले थोड़ा सा बेसिक से नॉर्मल लेवल पे लाओ, लाइक बेसिक कंप्लीट करो, और फिर अब आप क्या कर सकते हो, आप सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर सकते हो, अलग अलग सेंटेंसेस. जैसे कि मान लो आपने कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा है रिसेंटली, कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना प्लीज, ठीक है? मान लो आपने अपने इंग्लिश क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया, ठीक है? अब आपने देखा कि आपकी मम्मी किचन में रोटी बना रही है, सो अब आप उस सिचुएशन को देख के समझ सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आप उसके लिए सेंटेंस बनाओ. आपने देखा कि आपकी सिस्टर ने आपके लिए बेड प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है? शी हैज मेड योर बेड, तो आप उसके लिए सेंटेंस बना सकते हो कि वो पास्ट में क्या कर रही थी, वो बेड बना रही थी, ऐसे, है ना? सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद सेंटेंसेस, विच इज स्टेप टू. एंड देन फाइनली इमेजिनिंग एंटायर कॉन्वर्जेशन. और फिर थर्ड फाइनल स्टेप क्या हो सकता है, यू स्टार्ट इमेजिनिंग एंटायर कॉन्वर्जेशन के मैंने ये बोला, उसने ये बोला, या फिर आप डिस्क्राइब करो एक सिचुएशन को. लेट्स से आप बस में हो, आप बहुत सारे लोगों को आसपास देख रहे हो, किसी की लड़ाई हो गई या कोई कुछ बातें कर रहे थे, या आप बाहर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टार्ट क्रिएटिंग एंटायर कॉन्वर्जेशन एंड स्टोरीज इन योर हेड. दैट कैन बी द फाइनल स्टेप टू लर्न टू थिंक इन इंग्लिश, ठीक है? सो ये तीनों फेवरेट्स, ये एक्चुअली फेवरेट आइडिया है मेरी साइड से. अगर इसको फॉलो करते हो, इसको फॉलो करो और मजे लो, ठीक है? नेक्स्ट, से थिंग्स विद डिफरेंट वर्ड्स, बी क्रिएटिव. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है? टू बिग ऑब्स्टैकल्स टू इंग्लिश फ्लुएंसी आर लैक ऑफ वोकैबुलरी एंड पॉजेस हेजिटेशन. बिल्कुल सच, बिल्कुल सच. तो जब भी हम इंग्लिश, लेट्स से मैं इंग्लिश की ना बात करूँ, तो कई लोगों के साथ हिंदी में भी होता है, दिस यूज टू हैपन विद मी अर्लियर. तो जब मैं
पहले हिंदी में बोलती थी ना, मेरे दिमाग में एकदम से वर्ड स्किप हो जाता था. आई यूज टू फॉरगेट कि यार इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या. दिस यूज टू हैपन विद वेरी बेसिक वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है, सो वॉट वी आर सेइंग कि अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करें तो ज़्यादातर सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत क्या होती है कि लोगों को वोकैबलरी नहीं पता होती कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, किस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑल दिस. और अन यू नो इररेलीवेंट पॉजेज, और जो हेजिटेशन होती है, डर होता है कि हम कुछ गलत ना बोल दें, या सोचते सोचते बोल रहे हैं तो वो स्पीच स्लो हो जाती है. सो ऑल दिस, इस सब को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे. दिस यूजुअली हैपन्स बिकॉज यू हैव एन आइडिया बट यू कॉन्ट एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश. ये भी होता है कभी कभार, यू आर लाइक आई नो बट आई कॉन्ट. मतलब आपको पता है आपको क्या बोलना है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाया जाए इंग्लिश में, है ना. इंग्लिश बिकम्स दैट इरिटेटिंग थिंग एट दैट मोमेंट. लेट्स से आपकी टीचर ने रूल बना दिया दैट यू हैव टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश. अब यू आर लाइक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ. बेटर टू नॉट स्पीक एनी थिंग. इट कैन बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. हाउएवर, इफ़ यू डोंट नो अ पर्टिकुलर वर्ड, ट्राई टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज. नाउ बेस्ट आइडिया क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, जब आपको एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है. लेट्स से मुझे नहीं पता कि जो इंसान ऑपरेशन करता है उसे सर्जन बोलते हैं. सो वॉट आई डिड, आई फाउंड अ मिड वे ऑफ इट. मैंने एक मिड वे निकाल लिया, इसका सोल्यूशन निकाल लिया. मैंने सर्जन की जगह मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया दैट दिस पर्सन ऑपरेट्स पीपल. ठीक है, या दिस पर्सन बेसिकली कि ये इंसान ऑपरेशन करता है. अब रादर देन सेइंग द वर्ड सर्जन, मैंने अभी भी मैनेज कर लिया इंग्लिश में बोल के, है ना. सो दिस कैन एक्चुअली मेक यू स्ट्रॉन्गर एट द लैंग्वेज, क्योंकि आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे. यू विल बी केयरफुल, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता तो आप इंग्लिश में कैसे उसको मैनेज करो. सेंटेंस प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, वर्ड पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे. प्लस हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली जब आपको वो वर्ड याद हो जाए यू कैन यूज़ इट. सजेस्टेड यही होता है कि हम सर्जन वर्ड यूज़ करें, बट अगर नहीं आता, रादर देन डायरेक्ट यू नो रादर डायरेक्टली जंपिंग टू हिंदी कि भाई मुझे नहीं आता वो क्या बोलते हैं जो ऑपरेशन करता है, ऐसे नहीं करना. यू कैन से सिंपली एक्सप्लेन सेम थिंग इन इंग्लिश कि वो जो ऑपरेशन करता है उसको वो था वहाँ पे, है ना. लाइक दिस यू कैन मैनेज द सिचुएशन एंड स्टे क्रिएटिव विद द लैंग्वेज. प्रैक्टिस टॉकिंग टू योर सेल्फ. दिस इज अ रियलिटी, वी डोंट फाइंड पीपल अराउंड अस टू टॉक. अगर आपको मिलते हैं दैट्स ग्रेट, अगर आपको नहीं मिलते या लेट्स से यू नो पीपल अराउंड यू आर समवेयर बिजी, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप से बातें कर सकते हो. यू शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, राइट. दिस इज रियली एन एक्सीलेंट वे टू डेवलप योर फ्लुएंसी एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप अपने आप से बात कर रहे हो. यू विल बी सुपर यू नो स्मूथ एंड एक्साइटेड एंड यू नो इन द एटीट्यूड दैट हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट. सो दैट एक्सेंट विल ऑल्सो गेट बेटर, सब कुछ अच्छा होगा. वोकैबलरी आप कोशिश करोगे, धाए धाए मारो अपने सामने तो सारे एटीट्यूड दिखाते हैं ना. और जब आप अपने साथ ये करने लग जाओगे, यू विल गेट कम्फर्टेबल टू टॉक टू अदर्स ऑल्सो इन द लैंग्वेज. देर इज़ नो प्रेशर टू बी परफेक्ट, कोई प्रेशर नहीं है एज सच. और कोई भी अब मतलब एंड नो बडी एल्स विल हेयर योर मिस्टेक्स. जब आप अपने आप से बातें करो कोई टेंशन ही नहीं है गलती की, है ना. यू कैन बी सुपर कॉन्फिडेंट एंड एन्जॉय योर सेल्फ स्पीकिंग इन द लैंग्वेज. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे एवरीबडी. आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन. अगर आपने एन्जॉय किया है सच्ची में तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना कि कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा या कौन सा आइडिया आप यूज़ करते हो ऑलरेडी. ठीक है, ये है पीकू और पीकू बहुत खुश है आज. पीकू उम्मीद कर रहा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद अदर्स एज वेल एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल. बाय बाय फ्रॉम पीकू. चलिए, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर.